और अब बात करते हैं रीवा की, जहां खुद को बचाने के लिए पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ छेड़खानी का फर्जी छेड़छाड़ का प्रकरण कायम कर दिया। अब पीड़ित शिकायत लेकर अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस आरोपी बनाए गए पिता पुत्र को गिरफ्तारी के लिए घर में दबिश दे रही है। मंगलवार की सुबह PCR गाड़ी लेकर पहुंचे ASI ने घर में घुसने का प्रयास किया। महिलाओं ने बताया कि घर में पुरुष नहीं है तो भी ASI ने घर गिरवा देने की धमकी देते हुए तलाश की, लेकिन जब घर की महिलाओं ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उनके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिजनों ने भी पुलिस के सामने अपशब्द कहे, जिसके बाद ASI ने कहा कि इनके खिलाफ और मामले दर्ज कराओ। आपको बता दें कि सत्यनारायण उपाध्याय निवासी रतहरी थाना सिटी कोतवाली का जमीनी विवाद उनके भाई के साथ चल रहा है, जिनका घर गिरा दिया गया था। उसी के मलबे को हटाने को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्ष थाना पहुंचे थे। पुलिस महिला के दबाव में पीड़ित के खिलाफ उल्टा 151 की कार्यवाही कर दी। पासा तब पलट गया जब वही महिला कोतवाली थाने में पदस्थ ASI का अश्लील ऑडियो वायरल कर दी। पुलिस की गर्दन फंसी तो पुलिस ने ASI को तो निलंबित कर दिया, लेकिन अब उक्त महिला की तरफ से छेड़खानी का मामला दर्ज कर आरोपी बनाए गए सत्यनारायण उपाध्याय और उनके बेटे की गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। पीड़ित की माने तो आरोपियों में जमीनी विवाद चल रहा है और उसी विवाद को लेकर मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस ने फर्जी प्रकरण कायम किया है, जिसकी शिकायत भी पुलिस अधीक्षक से की है। पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन कोतवाली पुलिस को इतनी जल्दी है कि आनन फानन में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है। उसके लिए स्वयं ASI महिला से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ और मामले दर्ज कराओ। हालांकि वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। अब देखने वाली बात यह है कि कार्यवाही थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही है या फिर कोई और ASI महिला के दबाव में आकर पीड़ितों पर दबाव बना रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कहाँ है? आवाज लगा के तो आपसे बोलता है। वारंट दिखाई भाई, घुस जाएगा भी वारंट अंदर। अच्छा, झूठा मुकदमा लगा के जब उन्हें डायरेक्ट मेरे अंदर घुस जाते हैं। आपके ऊपर नहीं लगे क्या? डायरेक्ट मेरे घर घुस गए हो? आप देखिए, परेशान क्या ना हो, आप लोग डायरेक्ट घुस गए हो अंदर। आवाज लगाई आपको कई बार। आप लोग वर्दी पहन ली है इसलिए जानो तो इज्जत मैं करता हूँ। आप लोग डायरेक्ट घुस गए हो। आपके घर में नहीं घुसे हम लोग। हाँ, किसके घर में घुसे हो? आपसे कई बार आवाज लगाई है। कई बार आवाज लगाई तो गेट खटखटाया जाता है, बिना सर्च वारंट के अंदर नहीं घुसा जाता है। को गलत को चुप रहो, बस बस चुप रहो, समझ गए? मेरे को पता नहीं है कि इधर गए हैं। आप उनको हमको नहीं पता वो कहाँ, हमको 3 दिन से नहीं पता वो कहाँ है दोनों। आप ढूंढिए। और अगर नहीं, हमारे पिता पर हमको नहीं पता, नहीं पता हमको, भाई नहीं पता है। बस आप बोल रहे हैं कि हमारे ये घर गिरवा देंगे तो घर गिरवा दीजिए। जब वो फरार रहेगा ना, सरकार से आदेश आएगा घर गिराने का। जब आदेश आएगा तो आप हमारा घर गिरवा दीजिएगा और हर किसी को अरेस्ट कर लीजिएगा। पर अभी आपके पास घर गिराने का आदेश नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हम आपका घर गिरा देंगे। जब ऐसा से नहीं जीती है ना तो मेरे बच्चे और पति को झूठा मुकदमा लगा दी। ऐसा ही लेके 70 घूमी है। चुप रहो, वो खरीदा है ना, वो बतायेगा। हमारा नाम सत्यनारायण उपाध्याय है, मैं रतहरी में रहता हूँ। अच्छा मकान मेरा बना हुआ था तो दिनांक 25 तारीख को मकान को इन लोगों के द्वारा ढोक दिया गया था। राजेंद्र कुमार और सचकला उपाध्याय, किरण उपाध्याय के द्वारा मकान को ढोस करके गिरा दिया गया था। और उस मलबे को मैं हटा रहा था, करीब 3 बजे से हटाना शुरू किया तो ये हटा रहा था जब, तो राजेंद्र कुमार उपाध्याय और स्वर्गीय श्री राम लखन उपाध्याय और सचकला उपाध्याय, पति राजेंद्र उपाध्याय, किरण उपाध्याय, पति मनोज उपाध्याय, जिन्होंने सब मिल करके हमको मारपीट किए हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। और किरण उपाध्याय जो है तो 376 और 354 जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की कोशिश करती है, हमेशा रिपोर्ट करते रहते हैं ये फर्जी। इसके पूर्व में भी हमारे ऊपर और मेरे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा 325 का लगवाए थे। 20 वर्ष पूर्व इनका
दाहिना हाथ है टूटा हुआ था टिहनी इनकी, तो इलाहाबाद में मार के तोड़े हुए थे उसी टिहनी का बार बार इन्होंने एक्सरे कराते हैं, बार बार यहाँ से फर्जी रिपोर्ट फर्जी एक्सरे बनवा के 325 का मुकदमा बार बार कराया जाता है। और इसी बार इस बार भी उसी फर्जी मुकदमे को तैयार करने में लगे हुए हैं। और मेरी पुलिस है किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती है, मैं दो दिन से परेशान हूँ, मकान गिराया गया इनके द्वारा, किसी भी प्रकार का मामला पंजीबद्ध पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमको उम्मीद है कि उसमें मामला पंजीबद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं।